लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ पहले माँ क्यों बोला जाता है, पहले बाप बोलना चाहिए, बाप माँ। तो मैंने कहा जमता नहीं है बाप माँ। राम सीता अच्छा लगता है, बोलो ना। कृष्ण राधा ठीक लगता है, शंकर गौरी हमारी तो प्रज्ञा में ही नहीं उतरता, गौरी शंकर ही अच्छा लगता है, सीता राम ही अच्छा लगता है, राधा कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, रुक्मण कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, ऐसा ही ना, रुक्मणी कृष्ण से माँ बाप क्यों? आप दुनिया भर के अपराध करके पिता के सामने नहीं खड़े हो सकते, पर आपसे कोई गलती हो गई तो आप माँ के सामने खड़े हो सकते हो, हो सकते हो ना। माँ कहेगी देख दोबारा मत करना, मैं बात कर लूंगी तेरे बारे में, आश्वासन देती है माँ, संभाल लेती है माँ, स्वीकार करती है माँ। और जब हम माँ कहते हैं तो मुंह खुल जाता है, और जब हम बाप कहते हैं तो मुख बंद हो जाता है, वहां अपना हृदय खोलना मुश्किल होता है, पर माँ के सामने अपना हृदय खोलना आसान होता है, क्योंकि माँ धारणाओं से नहीं बंधी है। माँ है ना वो गूंगे का खाया गुड़, व्यक्त नहीं किया जा सकता उसकी मिठास को, बस अनुभव किया जा सकता है। हमारे ऐसी कुछ मर्यादाएं हैं जिसके पीछे भावों की खूबसूरती, बहुत सौंदर्य छिपा हुआ है।